आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब के अंदर अगर आप उमरा के लिए मक्के में जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले जो ऐप्स था इत्ते मन्ना नाम से ऐप्स था, उस ऐप्स को जो है अभी चेंज कर दिया गया है। अभी एक नया ऐप्स है जिसका नाम है नुसक, उस ऐप्स के ऊपर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जिस डेट के लिए आप उमरा पे जाना चाहते हैं उस डेट का जो अपॉइंटमेंट है वो आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके आप उमरा पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा ऐप्स के ऊपर कैसे रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तब कैसे ले सकते हैं उमरा के लिए। अगर आप उमरा के लिए अगर अपॉइंटमेंट ले लिया हो, अगर आप बाद में जाना नहीं चाहते हैं तो उसका आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अपना जो प्ले स्टोर है उस प्ले स्टोर में जाके अपना जो नुसक ऐप से उस ऐप्स को इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इधर सर्च कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को फॉलो करके भी आप इस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स को ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने खुलेगा, तो आपको कुछ परमिशन जो है आपको अलाउ करना पड़ेगा और नीचे इधर ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट करेगा तो अपना जो दूसरा लैंग्वेज है इंग्लिश वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको पसंद है, इंग्लिश हो या अरबी हो, वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको आप नेक्स्ट कर लेना। नेक्स्ट करने के बाद आप अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नया यूज़र है तो इधर आप देख सकते हैं, नया यूज़र के ऊपर क्लिक करना तो इधर आप देख सकते हैं सिटीजन और रेसिडेंट, गल्फ और विजिटर। आप अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो सिटीजन और रेसिडेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। अगर आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो उसके लिए आपको विजिटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल जो है मैं आपको सऊदी अरब में रहने वाला जो बंदा है उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा। सिटीजन और रेसिडेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें अपना जो एकामा नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद अपना जो ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जिस सिटी से जाना चाहते हैं, जिस शहर से आप जाना चाहते हैं, उस शहर का नाम जो है आपको एंटर करना पड़ेगा। तो सिटी ऑप्शन के ऊपर आप टच करके जितना भी शहर है सऊदी अरब के अंदर उस सारे के शहर आपको दिख जाएगा। तो जो भी शहर से आप जाना चाहते हैं उस शहर को आप इधर से आप सिलेक्ट कर लेना। तो फिलहाल मैं इधर वादी दसर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये रहा वादी दसर। उसके बाद अपना एक पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो भी आप पासवर्ड रखेगा वही पासवर्ड आपको दोबारा कॉन्फर्म पासवर्ड में आपको रखना पड़ेगा। तो आप पासवर्ड अच्छे से एंटर कर लेना, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो उसको आप याद कर लेना। उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को फिल करना पड़ेगा। तो एकामा के अंदर जो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरना पड़ेगा, यानी कि जो दूसरा डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ऐसा नहीं है। एकामा के ऊपर जो अपना डेट ऑफ बर्थ है या फिर पासपोर्ट के ऊपर जो अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके रखा है वही डेट ऑफ बर्थ आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको व्हीलचेयर का ज़रूरत है तो इस ऑप्शन के ऊपर एक बार टच कर लेना तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन इस ऑप्शन के ऊपर आप टिक मार्क कर लेना। उसके बाद आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर के ऊपर जब भी आप टच करेगा तो अपना जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस मोबाइल नंबर के अंदर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके आप सक्सेसफुली अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा लॉगिन करके। अपना एकामा नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन के ऊपर आपको चला जाना है। अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप इस जगह में आप फिल कर देना। ऐप्स का मेनू कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर उमरा के लिए जाना चाहते हैं तो इधर आप देख सकते हैं हरी मॉस्को सर्विस, इस जगह में लिखा है उमरा। उमरा बटन के ऊपर एक बार आपको टच करना पड़ेगा और इधर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो इधर आप देख सकते हैं जिस डेट के लिए आप जाना चाहते हैं, इधर ऊपर में कैलेंडर है, उस कैलेंडर का मेनू के ऊपर आप टच करके पूरा कैलेंडर ही ओपन हो जाएगा। जिस डेट के ऊपर आप जाना चाहते हैं उस डेट को आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कुछ कलर में मेंशन करके रखा है, रेड, येलो, ग्रीन।
तो रेड कलर जो है काफ़ी भीड़ है, और येलो कलर जो है थोड़ा मीडियम है, और ग्रीन कलर जो है वो खाली है। तो आप जिस डेट में जाना चाहते हैं या फिर जिस टाइम में जाना चाहते हैं उसको ऊपर आप सिलेक्ट कर लेना। पहले आपको डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। इधर डेट को सिलेक्ट करने के बाद इधर आप देखते हैं टाइम का जो मेनू है वो आपके सामने आ चुका है। तो अगर आप बुकिंग करते हो तो एक बार उम्रा के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे के अंदर आपको उम्रा जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जिस टाइम में जाना चाहते हो इधर पूरा मेनू रखा है, उस टाइम को आपको सिलेक्ट करना है। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है, इस परमिट के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो इधर जनरेट हो चुका है। तो अपना जो परमिट नंबर है वो भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से उस टाइम के मुताबिक, उस डेट के मुताबिक आप उम्रा के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा स्टेप है, तो आप अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको दिखाने के लिए है। तो दोस्तों आप अगर आप अपॉइंटमेंट ले लिया है और इसको बाद में कैंसिल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर आप डेट बदल लिया हो उम्रा के जाने के लिए तो आप अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने का तरीका क्या है, तो इधर नीचे स्क्रॉल करके आना है, कैंसिल परमिट के ऊपर जाना है और इधर आपको यस कर देना है। तो इधर जो है परमिशन जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों कैंसिल करने के लिए आपको कोई फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री है। आप अगर बुकिंग करके रखा हो, अगर बाद में जाना नहीं चाहता है या फिर दूसरा कोई डेट लेना चाहते हो तो अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल करके आप दूसरा डेट ले सकते हो। तो यही था एक मैसेज जो मैं आपके सामने रखा हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।